बेसिक नॉलेज आप जैनिज्म के अंदर आप लोग अनेक अच्छे अच्छे और जैन धर्म के मूल सिद्धांतों के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। उसी के अंतर्गत आज आता है पाठ जिसका नाम है हिंसा। हिंसा नाम का पाठ पढ़ने का मतलब है हिंसा क्या चीज है और हिंसा से हम कैसे छूट सकते हैं। तो ये बाल विकास भाग दो जो आधार बनाया गया है बेसिक नॉलेज ऑफ जैनिज्म के लिए, पहले भाग की सबने परीक्षा दी और दूसरे भाग में हम 22वें पाठ पर आए हैं आज। इसका नाम है हिंसा। इसके माध्यम से हमें पापों के बारे में जानना है और पापों से छूटने का उपाय करना है। तो महानुभाव, हिंसा पाप किसे कहते हैं? अशुभ कार्य करने को पाप कहते हैं, यानी शुभ कार्य के अतिरिक्त जो अशुभ कार्य हैं जिनसे दुख प्राप्त होता है अपने को भी और पर को भी, वो कहलाते हैं पाप। और पाप के 5 भेद हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। इस पाठ के अंदर हिंसा का बहुत संक्षिप्त लक्षण करते हुए बताया पूज्य माताजी ने कि प्रमाद से अपने या दूसरों के प्राणों का घात करने को हिंसा कहते हैं। इस पाप के करने वाले हिंसक, निर्दयी या हत्यारे कहे जाते हैं। तो बहुत सारी कहानियां हैं हिंसा जो भी करते हैं, चाहे छोटे जीव की करें, चाहे बड़े जीव की करें, चाहे मनुष्य की करें, चाहे त्रियंच की करें, हिंसा तो हिंसा है। और एक छोटी सी कहानी के माध्यम से इन्होंने बताया कि राजा यशोधर जैसे महाराज ने भी यदि अपनी माँ की प्रेरणा से एक आटे के मुर्गे की बलि चंडमारी देवी के सामने चढ़ा दी। ये शास्त्र का सच्चा कथानक है। ज्ञानमती माता जी कपोल कल्पित कहानियों में विश्वास नहीं करती, हृदय को स्पर्श करने वाली शास्त्र की सच्ची घटनाओं से परिचित कराती हैं कि एक राजा ने भी यदि संकल्पी हिंसा की, केवल सच्चा मुर्गा नहीं था, आटे का मुर्गा बना करके उन्होंने बलि चढ़ा दी और वो भी शांति के लिए। तो उस संकल्पी हिंसा के पाप से वे पुत्र और माता दोनों ही मर करके मोर और कुत्ता हो जाते हैं। पुनः मगर, सांप, बकरा, बकरी, बकरा और भैंसा, मत्स्य और मगर, ऐसे 6 भवों तक इन लोगों ने असंख्य दुख भोगे। मुर्गा मुर्गी मरते समय मुनि के मुख से नमोकार मंत्र को श्रवण करके उन्हीं राजा जो यशोधर के रूप में जिन्होंने संकल्पी हिंसा की थी, वही अपने पुत्र यशोमती की पत्नी के गर्भ से पुत्र पुत्री के रूप में जन्म लेते हैं। और बाल्यकाल में ही इनको जाति स्मरण होने से बहुत वैराग्य हो गया, तब ये अभयमति और अभय रुचि नाम के छुल्लिका और छुल्लक बन गए। तो महानुभाव, ऐसे आप सबको जान करके कि यदि छोटे से भाव को भी लेकर या धार्मिक कल्पना को भी लेकर हिंसा की जाती है तो कहलाती संकल्पी हिंसा। हिंसा के 4 भेद हैं, संकल्पी हिंसा, आरंभी हिंसा, विरोधी हिंसा, उद्योगी हिंसा। संक्षेप में आपको जान लेना है कि आप संकल्पी हिंसा का त्याग कर दीजिए। संकल्पी हिंसा मतलब संकल्प पूर्वक किसी भी जीव को हमें नहीं मारना, इंटेंशनली किसी जीव को नहीं मारना है। चाहे आप गृहस्थ में हैं, व्यापार कर रहे हैं, उद्योग कर रहे हैं, आरंभ कर रहे हैं, अथवा आपके जीवन में कुछ भी ऐसी घटना घटी है, तो आप संकल्प पूर्वक जीव को नहीं मारें, तो आप संकल्पी हिंसा के त्यागी हो सकते हैं। आरंभी, उद्योगी और विरोधी हिंसा का त्यागी श्रावक नहीं बन सकता। साधु इन चारों हिंसा के त्यागी होते हैं। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, उन्होंने यदि रावण के साथ युद्ध किया तो कौन सी हिंसा थी? विरोधी हिंसा। ध्यान रखना कि वो हर नारी जाति पर होने वाले अत्याचारों का विरोध था और रावण की आसुरी वृत्ति का विरोध करके उन्होंने युद्ध का सहारा लिया था। तो महानुभाव, ऐसी हिंसा का त्याग करना है। अब क्या होता है,
कई बार समय सार के अंदर आता है कि जो व्यक्ति ये मानता है कि मैं किसी को मार रहा हूँ या मेरी कोई हिंसा कर रहा है तो वो व्यक्ति अज्ञानी है। आप जान लो बहुत बारीकी से, वो समय सार की बात है। और समय सार किन में सार्थक होता है? वीतराग निर्विकल्प समाधि धारण करने वाले महामुनिराजों के। अगर साधारण व्यक्ति ने समय सार की इन पंक्तियों को ग्रहण कर लिया कि मैं किसी को मरते हुए जीव के लिए भी सोच लिया, मैं किसी को मार नहीं सकता, तो क्या आप रौन देंगे चींटियों के झुंड को? आप मारते रहेंगे रोज कि मैं तो किसी को मार नहीं सकता, जीव अपनी आयु से मरेगा? नहीं। ये निश्चय ध्यान के अंदर, निर्विकल्प ध्यान के अंदर मुनि के लिए, महान मुनिराज के लिए चिंतनीय विषय है। व्यवहार चारित्र का पालन करने वाले संतों के लिए ये पिच्छिका क्यों दी है? आप एक पुस्तक भी रख रहे हैं, उठा रहे हैं, तो पिच्छिका से इसको परिमार्जित करें। कोई सूक्ष्म जीव भी इसके माध्यम से हमारे माध्यम से मरने ना पाए, इसलिए हमें अहिंसा का उपकरण पिच्छिका प्रदान की जाती है। तो सब चीज़ें अपने अपने हिसाब से, अलग अलग दृष्टि से सबका प्रतिपादन किया गया है। तो केवल पुस्तकी ज्ञान मत प्राप्त करना। मैं एक चीज़ आपको बताऊं, नीतिकारों ने एक चीज़ कही है, पुस्तकस्थातु या विद्या पर हस्तगतम धनम, कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद धनम। क्या कहा? पुस्तक में लिखी हुई विद्या आपने पढ़ लिया और अंटी में जो धन नहीं है, पुस्तकस्थातु या विद्या पर हस्तगतम धनम, आपके मुनीम जी के पास पैसा है, बैंक में पैसा है, आज तो एटीएम का खैर युग चल गया कहीं भी, लेकिन कहीं तो जाना पड़ेगा। अगर आपके निकटवर्ती कहीं स्थान पर एटीएम है तो आपको वहां से निकालने तो जाना पड़ेगा, लेकिन अगर आपके अंटी में धन है तो हर समय काम आ सकता है। तो कहा कि पुस्तक की विद्या, पराई जगह रखा हुआ धन, कार्यकाले समुत्पन्ने, काम पड़ने पर, कभी आपातकालीन स्थिति पड़ने पर, नसा विद्या न तद धनम, वह विद्या और वो धन काम नहीं आ सकता। अर्थात कंट की विद्या, अपने आचरण में लाई जाने वाली विद्या ज्ञान, और अंटी में रखा हुआ धन ही कार्य पड़ने पर आपातकालीन स्थिति में भी वो हमेशा काम आता है। तो चाहे थोड़ा सा ज्ञान है, यदि हमने जान लिया है कि हिंसा करना पाप है, तो इतना मन के अंदर अवधारण कर लेना तो हम किसी प्रकार का कोई पाप, हिंसा जनित पाप नहीं करेंगे। और जल्दी जल्दी किताब उठा कौन सी हिंसा कहिए, कौन सी हिंसा नहीं कहिए, तो वो आपके काम नहीं आ सकती। आप छोटी छोटी हिंसा अपने बाथरूम से लेकर बेडरूम तक, सवेरे बाथरूम में जाते हैं, रात में बेडरूम में जाते हैं, बाथरूम से लेकर बेडरूम तक प्रयोग आने वाली सामग्री में सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि किसी चीज में हिंसा तो नहीं हो रही। आप टूथपेस्ट करते हैं सवेरे सवेरे, तो क्या आप कोलगेट का टूथपेस्ट करते हैं जिसके अंदर अंडे का छिलका, उसका पाउडर होता है? कहीं आप मुंह को साफ करने की बजाय मुंह को गंदा तो नहीं कर रहे हैं? कहीं आप शैम्पू जो यूज कर रहे हैं वो हिंसक तो नहीं है? आज अनेक हर्बल कंपनियां हैं जो अहिंसक सामग्री बनाती हैं। तो अपने बच्चों को भी और अपने प्रयोग में भी उन हर्बल सौंदर्य प्रसाधन सामग्री को प्रयोग करके बाथरूम से लेकर बेडरूम तक के अपने सामग्री को अहिंसक बनाने की कोशिश करें। मैं तो इस हिंसा पाप से बचने के लिए व्यवहारिक रूप से आपको यही बात कहूंगी। और सबसे बड़ी बात यह है पुरुषों के लिए भी कि चमड़े की बेल्ट, चमड़े के जूते, चमड़े के बैग यदि प्रयोग करते हैं, तुरंत उसको त्याग कर दीजिए। किसी जीव की हिंसा से बने हुए सामान को अपने को स्पर्श भी नहीं करना है। महिलाओं को भी देखना है कि लिपस्टिक है आपके, सौंदर्य प्रसाधन सामग्री है, स्नो पाउडर वगैरह, इनमें हिंसा की चीजें तो नहीं है? आप एनसाइक्लोपीडिया ऑफ जैनिज्म उठा करके देखिए, उसके अंदर अनेक हर्बल कंपनीज के प्रोडक्ट दिए गए हैं, उनको प्रयोग करके आप अहिंसक बनने की कोशिश कीजिए। और बहनों के लिए, विशेष रूप से दंपतियों के लिए कहना है कि आपको अपने गर्भ में
पल रहे किसी बालक बालिका की हत्या नहीं करनी है। भ्रूण हत्या सबसे बड़ा हिंसा का पाठ। यदि सुन करके आप अहिंसक बनना चाहते हैं तो जो आज मशीनें चल गईं उनसे भ्रूण का परीक्षण कराया जाने लगा और लड़कियों की हत्या कराई जाने लगी। सरकार ने भी अभियान तो चलाया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो कितना सार्थक हो रहा है। आज बैन लग गई उन मशीनों पर जो परीक्षण नहीं करती, लेकिन ब्लैकमेल लोग कराने लग गए। यानी अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए नियम संयम जो खंडित हो रहे हैं उनकी ओर ध्यान रखना। मैंने एक गीत लिखा उन बहनों के लिए। आज तमाम बहनें आती हैं, कहती माता जी हमने अनजान में कभी अपने जीवन में भ्रूण हत्या करवाई, मुझे नहीं पता था कि इतना पाप लगता है, तो आप प्रायश्चित दे दीजिए। उनको तो प्रायश्चित बड़ा से बड़ा दे करके किसी तरह शुद्ध करने की कोशिश करती हैं पूज्य माता जी, लेकिन आगे के लिए आप कम से कम इतना नियम कर लें कि हम अपने घर की बहू बेटी के गर्भ में पल रहे किसी भी भ्रूण का परीक्षण नहीं कराएंगे और ना उनकी हत्या करेंगे। ममता मूर्ति मातू ने क्यों हत्या किया, ममता मूर्त मातू ने क्यों हत्या किया। एक कहानी है गर्भ में पल रहे पुत्र के, जिसने परीक्षण में उस माँ ने जाना कि बेटी है लेकिन निकला बेटा। कैसे वो बेटा जब उसकी माँ जानती है मशीन से कि मेरी गर्भ में बेटी है और उसको हत्या कराने की कोशिश करती है, हत्या करती है, तो वो बेटा भी अंदर से क्या कहता है, ममता मूर्ति मातू ने क्यों हत्या किया, अपने गर्भ में मुझको क्यों आने दिया, क्यों ना इंद्रिय संयम का तूने पालन किया, अपने गर्भ में मुझको क्यों आने दिया। तुझको मशीन ने बता दिया कि बेटी है, दादी पापा ने कह दिया क्यों जन्म देती है, तूने मातृत्व अपना कलंकित कर लिया, तूने मातृत्व अपना कलंकित कर लिया, ममता मूर्त मातू ने क्यों हत्या किया। एक साक्षात घटना है इंदौर की, जिस घर की एक बहू ने परीक्षण करा करके और भ्रूण हत्या करने का निर्णय ले लिया। सासू माँ कहती है नहीं मैं इस बेटी को पालूंगी और अंत में वो निकलता है बेटा। तो बेटा क्या कह रहा है गर्भ के अंदर से, अब मैं समझ सका हूँ कष्ट अपनी बहनों का, जब गर्भ में करवाती है माँ बेटी की हत्या, आज बेटी के बदले में बेटा मर गया, आज बेटी के बदले में बेटा मर गया, ममता मूर्त मातू ने क्यों हत्या किया। अंत में वो क्या कहता है, जिस बेटा बेटी की सिसकी तू देख नहीं पाती। छोटे से बच्चे को यदि कोई जरा थप्पड़ भी लगा दे तो माँ देख नहीं पाती। जिस बेटा बेटी की सिसकी तू देख नहीं पाती, डॉक्टर से उसकी पेट के अंदर हत्या करवाती, बोल मैंने माँ तुझको क्या दुख था दिया, ममता मूर्त माँ तूने क्यों हत्या किया, क्यों ना इंद्रिय संयम का तूने पालन किया, अपने गर्भ में मुझको क्यों आने दिया। मैं समझती हूँ कैसी प्रैक्टिकल बातों को जान करके यदि आपने अपने घर से हिंसा करने का परित्याग करवा दिया तो सबसे बड़ी आपकी अहिंसा होगी। घर के अंदर प्रत्येक नल में छन्ना लगाएं, छान करके पानी पिएं और फास्ट फूड का सेवन ना करें और हिंसक भोजन सामग्री का कोई प्रयोग ना करें, सौंदर्य प्रसादन की सामग्री का भी, तो ये अहिंसा का पालन होगा।
आप धीरे धीरे एक एक पाप के बारे में जानते हुए पापों से बचने का प्रयास कीजिए। यही इन पाठों को पढ़ने का सार है। जब लो पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की, अहिंसा परमो धर्म की।